ओम शांति, आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सूद ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात करेंगे 10 मई के ईश्वरी वरदान की, जहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं और मेरा बाबा, बस ये कनेक्शन रखिए तो आपके जीवन में जो दुख है, अशांति है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, और लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, जो कंप्लेंस हमारी लाइफ में कि मुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है, मुझे कोई मानता नहीं है, मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरे को प्यार नहीं करते, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी जब मैं और मेरा बाबा हो जाएगा। तो मैं और मेरे बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहयोगी बाबा। या तो जीवन में बंधन है हमारा, लोगों से इच्छाएं हैं, चीज़ों से इच्छाएं हैं, तो हम बंधे हुए हैं, लेकिन परमात्मा से अगर सारी इच्छाएं हो जाएं तो हम मुक्त होना शुरू हो जाएंगे इसी ज़िंदगी में, इसी शरीर में। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण बनना अर्थात देह। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को फॉलो करते हैं, जो एटम को फॉलो करते हैं। एटम सबसे क्लोजेस्ट हैं गॉड से, तो हमें भी अगर क्लोज होना है एटम जैसे, क्लोज होना है गॉड से, तो ब्राह्मण बनना अर्थात देह, ये देह होगी हमारा शरीर, और हमारे जो संबंध हैं, देखिए संबंध हो गए, संबंध में क्या आता है, धन आता है, संबंधी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और जो साधन आते हैं, मेरा ये चीज़, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरे घर, मेरी चीज़ें घर में जो भी हैं, जो हमें सुख देने वाली चीज़ें, ये बंधन हो गए। और साधनों के बंधन से मुक्त होना, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध है। अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ में भी अगर आत्मिक संबंध जोड़ेंगे तो आप मुक्त होते जाएंगे, लेकिन दैहिक संबंध जोड़ेंगे तो मोह में आएंगे, मेरा करेंगे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, और उसमें होता है मोह होता है, और मोह में हम हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में। परमात्मा कहते हैं यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है। मैं किसी का फ़ैन बन गया, कोई एक्टर का, कोई एक्ट्रेस का, कोई आजू बाजू रहने वाले लोगों का अगर मैं फ़ैन बन गया तो उनसे भी बंधन हो जाएगा, परमात्मा से टूट जाएगा, उनसे बंधन हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, मेरा सिर्फ परमात्मा से लेन देन है और किसी से नहीं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है, मैं आत्मा कर्मेंद्री इस शरीर में हूँ, आप भी आत्मा अपने शरीर में हैं, जब तक इस शरीर में कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर है, तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं। कि कर्म तो किया लेकिन इसी कर्मों के बंधन में फंस गए, इन्हीं के स्वाद रस में फंस गए, चीज़ों के रस में फंस गए, संबंधों के रस में फंस गए। कर्म संबंध हैं, बंधन नहीं। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन इन चीज़ों की टेस्ट, इन चीज़ों के रस से अगर दूर हैं, पांच कर्मेंद्रियों के रस से आस्ते से दूर होता है, तब हम सफलता मूर्त है। नहीं तो मुझे चाहिए 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 होगा, सफलता चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट दो, मैंने इतना काम किया, मेरी महिमा करो, अरे मेरे को कुछ दिया नहीं इन लोगों ने, मुझे कुछ प्रस्तुत भी नहीं किया, कुछ फूल भी नहीं दिया, कुछ बुकेज भी नहीं दिए मुझे, मैंने इतना अच्छा लेक्चर किया, ये सब कुछ बंधन है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, मैं और सिर्फ मेरा बाबा, जिस बाबा से ही मैं सब कुछ लूँ, मैं इंसान से नहीं लेना, अब इंसान से कुछ मांगना नहीं, कोई इच्छा नहीं रखनी है। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। सफलता मतलब कि हमें सुख शांति प्राप्त हो जाती है, हम उसमें सफल हो जाते हैं। नहीं तो इंसान से मांगते रहेंगे, चीज़ों से सुख खोजते रहेंगे तो बंधे हो रहेंगे, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ गड़बड़ हो गया, कभी धन कम हो गया, कभी किसी संबंधी से दूर हो गए, कभी किसी ने प्यार से बात नहीं करी, तो हम दुखी होते रहेंगे। परमात्मा चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं चीज़ों से, तो मैं और मेरा बाबा। ये करना कैसे है, इसको जानने के लिए आप ब्रह्म कुमारीज में आकर के और सीख सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, ओम शांति।